दिल खुश हो जाता है, मन तृप्त हो गया। इतना अच्छा मौसम है, कल बर्फ भी पड़ी है और बड़ा अच्छा लग रहा है। माता तो भागो वालों को ही बुलाती है। आप सब लोग, हम सब लोग सभी भाग्यशाली हैं, किंतु माता का दर्शन प्राप्त। सभी का स्वागत है मेरे चैनल कैप्चर अनसीन मोमेंट्स पे। मैं हूं आपकी दोस्त अरुणिमा। तो फिलहाल अभी हम हैं धनौल्टी में और मैं आपको इस व्लॉग में दिखाने वाली हूं धनौल्टी का सबसे प्रसिद्ध मंदिर, जिसका नाम है सुरकुंडा देवी टेम्पल। और ये जो टेम्पल है, ये एक सिद्ध पीठ है। और मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ, जहाँ से आप एक चोटी पे आपको मंदिर दिखाई देगा, तो वही हम जाएंगे माँ के दर्शन करने के लिए, सुरकुंडा देवी टेम्पल। और यहीं से आप देखेंगे, ये है रास्ता, सीढ़ियां बनी हुई है जहाँ से हम अभी सीढ़ियां चढ़ेंगे और ऊपर पहुंचेंगे। तो वहां से हमारा पैदल ट्रैक शुरू होता है और ये जो पूरा ट्रैक है लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर होगा। साथ ही साथ जैसे ही आप यहाँ पे देखते हैं कि बहुत सारी आपको शॉप्स यहाँ पे मिल जाएंगी, जहाँ से आप मंदिर के लिए प्रसाद ले सकते हैं, नारियल ले सकते हैं, चुनरी ले सकते हैं। तो चलिए पहले ले लेते हैं यहाँ से प्रसाद और फिर मैं आपको दर्शन कराने ले चलती हूँ। अब हम यहाँ से अपना ट्रैक शुरू करने के लिए जा रहे हैं, तो चलिए चलते हैं। सारे मेरे साथ बोलेंगे जय माता दी। चढ़ाई पे चढ़ेंगे तो अभी आप देखेंगे पूरा का पूरा गीला है और कहीं कहीं पे हमें बर्फ भी मिल रही है। तो जब आप चले तो बहुत संभल कर चले, बहुत स्लिपरी हो रखा है। तो यहाँ पे रेलिंग नहीं है, तो कोशिश करेंगे कि आप पकड़ के चलें। डैम से बोलो जय माता दी, डारे बोलो जय माता दी। तो दोस्तों अभी मैं थोड़ी सी ही चढ़ाई मैंने की है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुझे कुछ खच्चर वाले मिल गए हैं। तो पहले पूछ लेते हैं कि क्या फेयर है इनके आने जाने की या एक तरफ के। तो आप थोड़ा सा भैया बताइए कि अगर आप आने जाना करते हैं तो क्या चार्जेस रहते हैं आपके? 800 रुपये आप आने जाने के करते हैं। और अगर कोई एक तरफ जाना चाहे या वहाँ से अगर आना चाहे तो? इधर से अगर आप जाते हैं तो 500 रुपए फेयर है और अगर आप खाली उधर से आते हैं तो 400 रुपए और आने जाने का फेयर है 800 रुपए। ये भी एक अच्छी सुविधा आपको मिल जाएगी कि ऑब्वियसली आप जानते हैं कि खड़ी चढ़ाई है तो थकान हो सकती है, तो कोई अगर इससे भी जाना चाहे तो आप जा सकते हैं और फेयर मैंने आप सभी को बता दिया है। तो चलिए चलते हैं यहाँ से आगे। तो अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है रोप वे की मेन बिल्डिंग जहाँ से रोप वे स्टार्ट होगी। यहाँ पर बेंचेस बनाई गई है, तो ऑब्वियसली बात है इतनी खड़ी चढ़ाई है तो आप थक जाएंगे, तो आप आराम करते हुए अपनी यात्रा कर सकते हैं। और यहाँ पर सुरकुंडा देवी मंदिर के बारे में
आपको थोड़ा पास से दिखाती हूँ, देखिए इसके बारे में पूरा लिखा हुआ है। जोर से बोलो जय माता दी। जोर से बोलो जय माता दी। जोर से बोलो जय माता दी। मैंने भी आपको पीछे दिखाया था कि वहाँ पे थोड़ा गीला है, तो अब आप देख पाएंगे कि रास्ते में बर्फ पड़ी है, तो बहुत संभल कर चलिएगा इस रास्ते पर। आपका वेट कर रही हूँ, यहाँ पे रेस्ट कर रही हूँ, उसके बाद हम ये यात्रा शुरू करेंगे। दोस्तों जहाँ मैं खड़ी हूँ वहां से आप एक बार व्यू देखिए, क्या हमें यहाँ से व्यू मिल रहा है, मतलब गजब का व्यू है, बेहतरीन है ये व्यू, मतलब शब्द नहीं मिल रहे मेरे पास। अभी तो ये व्यू यहाँ से मिल रहा है, बीच रास्ते से ऊपर पहुंचेंगे तो पता नहीं क्या व्यू मिलने वाला है हमें, तो देखिए। तो दोस्तों जब भी आप ट्रैक करें, यही नहीं जहाँ भी आप अगर ट्रैक करते हैं, अपने साथ वाटर बॉटल तो जरूर रखें, साथ में आप कुछ खाने का सामान भी रखें, जैसे कि बिस्किट चॉकलेट, जिससे आप ऑब्वियसली ट्रैक कर रहे हैं तो आपको एनर्जी चाहिए, तो अगर आप खाने पीने का सामान रखेंगे तो आपको एनर्जी मिलती जाएगी। खाने पीने का सामान ले सकते हैं, साथ ही साथ अगर प्रसाद नहीं लिया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रसाद रखे हुए, तो आप वो भी ले सकते हैं। अभी हम आधे रास्ते पहुँच चुके हैं और अभी आधा रास्ता बचा है हमारा, यहाँ से आप देख सकते हैं ऊपर देखिए मंदिर, तो अभी आप देख सकते हैं कि हमने कितना रास्ता कवर कर लिया है। नीचे से मैंने आपको दिखाया था मंदिर और वो देखिए आप रेलिंग बनी हुई है, एक शख्स भी यहाँ से जा रहे हैं, तो वो है पूरा रास्ता मंदिर जाते हुए। जर्नी को थोड़ा एडवेंचर बनाना चाहती हूँ, लेकिन आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप ये रास्ता ना लें, खासकर अगर फिट लोग हैं और अगर आप एडवेंचर चाहते हैं तो ही लीजिएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं ये सेफ नहीं है, और ये जो रास्ता बनाया है, मतलब जो रूट बनाया है वो ही सेफ है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है जो रास्ता बना है वो ही आप रास्ता लें। अब आप देखिए कितना रिस्की है ये रास्ता, और मेरे हाथ में अभी सामान भी है। यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ एक नजारा कि कितना सुंदर ये दृश्य दिख रहा है हमें, नेचुरल ब्यूटी है ये, वाओ अमेजिंग यार क्या व्यू है दोस्तों, कहाँ आ चुके हैं। और मेरे पीछे आपको दिखाऊंगी बादल भी हो रहे हैं, तो अभी थोड़ा सा ऊपर चढ़ती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ पीछे का नजारा, मतलब पहाड़ है और उसके ऊपर बादल, मतलब बादलों में छाया हुआ है वो पहाड़, तो अभी मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगी वो दृश्य, मतलब मंत्रमुग्ध हो जाएंगे आप उस दृश्य को देख के।
दोस्तों आप देख रहे हो खतरनाक है ये रास्ता, तो आप कोशिश मत करिएगा। जो यंगस्टर और जो फिट लोग हैं वो ही इस रास्ते को आप एक्सपीरियंस कर पाएंगे। कोशिश करी कि शायद हम इस रास्ते से जा पाए, लेकिन आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा स्नो है और बहुत ही स्लिपरी है, तो यहाँ से हम अभी नहीं चल पाएंगे। तो अभी हम यहाँ से वही रूट लेते हैं जहाँ से सब लोग जाते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं उस जगह जहां से रोपवे का ड्रॉपिंग पॉइंट है, और आप देख सकते हैं कि वहां पर अभी कंस्ट्रक्शन वर्क चल ही रहा है। मैंने आपको नीचे बताया था, तो पहले कंस्ट्रक्शन अभी वर्क यहां पे खत्म होगा, उसके बाद शायद कुछ महीने ट्रायल पे चलेगी, उसके बाद ये स्टार्ट होगी। और यहाँ से मंदिर सिर्फ कुछ मिनट की ही दूरी पे है। अब हम ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं सुरकंडा माता मंदिर, और चलिए यहाँ से कराती हूँ मैं आपको माता के दर्शन। तो चलिए चलते हैं और करते हैं माता के दर्शन। जय माता दी, जय माता दी। कैसा लगा आप सभी को दर्शन करके माता के? सुरकंडा माता के मंदिर में दर्शन करके तो दिल खुश हो जाता है, मन तृप्त हो गया। इतना अच्छा मौसम है, कल बर्फ भी पड़ी है। हाँ हाँ। और बड़ा अच्छा लग रहा है। माता तो भागो वालों को ही बुलाती है। आप सब लोग, हम सब लोग सभी भाग्यशाली हैं जिनको माता का दर्शन हुआ। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं सब? जी मेरा नाम मोंटू भुटानी है, मैं नागपुर महाराष्ट्र से आया हूँ, और माता ने बुला लिया तो आ गया। मैं मसूरी घूमने आया था, मैं आया करता हूँ यहाँ पे। जब भी मसूरी आता हूँ तो मैं माँ के दर्शन करने का। अरे मसूरी आया तो क्यों ना माता के दर्शन कर लिए जाए, ज्यादा दूर भी नहीं है।
जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। मंदिर और ये है मंदिर का प्रवेश द्वार, तो चलिए करते हैं माता के दर्शन।